जीवन की सीख, माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। उद्धरण चिन्ह। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पाएं। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रही उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।